हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज। इस क्वेश्चन में हमें चार पार्ट्स दिए गए स्टूडेंट्स, और उन सभी पार्ट्स में हमें रेशोज दी गई है और हमें रेशोज को परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाना है। ए पार्ट में हमें दिया गया है 3:1, हमें 3:1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों रेशोस का सम निकालेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सम ऑफ रेशोस इज इक्वल टू 3+1, और जब आप 3 और 1 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 4। तो सम ऑफ रेशोस हमें मिल गया है 4। अब हम इस 3 को यहां न्यूमरेटर में रखेंगे और अपोन में सम ऑफ रेशोज यानी कि 4 आएगा, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और यहां पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि 100 और 4 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 4 से काटेंगे। अब देखिए 4 1 4, और यहां पर देखिए 4 2 8, 10 में से 8 गया 2 बचा, 2 and 0 20, 4 5 20। अब यहां पर बचा 3 multiply by 25, और जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आपको मिलेगा 75। तो यहां पर आप लिखेंगे 75%। अब हम इस 1 को यहां न्यूमरेटर में लिखेंगे और अपोन में सम ऑफ रेशोज यानी कि 4 आएगा, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और यहां पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। अब हम फिर से 100 और 4 को आपस में सोल्व करेंगे और इन दोनों नंबर्स को 4 से काटेंगे। अब देखिए 4 1 4, और यहां पर देखिए 4 2 8, 10 में से 8 गया 2 बचा, 2 and 0 20, 4 5 20। अब यहां पर बचा 25, तो यहां पर आप लिखेंगे 25%। तो जब हमने 3:1 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 75% and 25%। बी पार्ट में हमें दिया गया है 2:3:5, और हमें इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम सम ऑफ रेशोज निकालेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे सम ऑफ रेशोज इज इक्वल टू 2+3+5, और जब आप 2, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 10। तो सम ऑफ रेशोज हमें मिल गया है 10। अब सबसे पहले यहां पर 2 है, तो यहां न्यूमरेटर में हम 2 लिखेंगे, अपोन में सम ऑफ रेशोज यानी कि 10 आएगा, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और यहां पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि इस 0 से ये 0 कट जाएगी। अब यहां पर बचा 2 multiply by 10, और जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपको मिलेगा 20। तो यहां पर आप लिखेंगे 20%। उसके बाद यहां पर हमें दिया गया है 3, तो यहां न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 3, अपोन में सम ऑफ रेशोज यानी कि 10 आएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और यहां पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स कि इस 0 से ये 0 कट जाएगी। अब यहां पर बचा 3 multiply by 10, और जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपको आंसर मिलेगा 30। तो यहां पर आप लिखेंगे 30%। इसके बाद यहां पर हमें दिया गया है 5, तो यहां न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 5, अपोन में सम ऑफ रेशोज यानी कि 10 आएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और यहां पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहां पर इस 0 से ये 0 कट जाएगी। अब यहां पर बचा 5 multiply by 10, और जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपको मिलेगा 50। तो यहां पर आप लिखेंगे 50%। तो जब हमने 2:3:5 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 20%, 30% and 50%। सी पार्ट में हमें दिया गया है 1:4, तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम सम ऑफ रेशोज निकालेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे सम ऑफ रेशोज इज इक्वल टू 1+4, और जब आप 1 और 4 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 5। तो सम ऑफ रेशोज हमें मिल गया है 5। अब सबसे पहले यहां पर 1 है, तो यहां न्यूमरेटर में हम 1 लिखेंगे, अपोन में सम ऑफ रेशोज यानी कि 5 आएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और यहां पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि 100 और 5 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। अब देखिए 5 1
5, और यहां पर देखिए 5 टू द 10, ये 0 बचा, ये 0 यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर बचा 20, तो यहां पर आप लिखेंगे 20%। अब यहां पर 4 है, तो यहां न्यूमरेटर में हम 4 लिखेंगे, अपॉन में सम ऑफ रेशोज यानी कि 5 आएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और यहां पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। अब हम फिर से 100 और 5 को आपस में सोल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। अब देखिए 5 वन द 5, और यहां पर देखिए 5 टू द 10, ये 0 बचा, ये 0 यहां पर आएगा। अब यहां पर बचा 4 मल्टीप्लाई बाय 20, और जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो आपको मिलेगा 80, तो यहां पर आप लिखेंगे 80%। तो जब हमने 1:4 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 20% एंड 80%। अब हम डी पार्ट को सोल्व करेंगे। डी पार्ट में हमें दिया गया है 1:2:5। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में सम ऑफ रेशोज निकालेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे सम ऑफ रेशोज इज इक्वल टू 1 + 2 + 5, और जब आप 1, 2 और 5 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8। तो सम ऑफ रेशोज हमें मिल गया है 8। अब सबसे पहले यहां पर 1 है, तो यहां न्यूमरेटर में हम 1 लिखेंगे, अपॉन में सम ऑफ रेशोज यानी कि 8 आएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और यहां पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि 100 और 8 को आपस में सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 4 से काटेंगे। अब देखिए 4 टू द 8, और यहां पर देखिए 4 टू द 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 2 एंड 0 20, 4 5 द 20। अब यहां पर बचा 25/2, तो यहां पर हम लिखेंगे 25/2%, और जब आप 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 12.5, तो यहां पर आप लिखेंगे 12.5%। अब हम देखते हैं कि 25 को 2 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 25 और इसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 वन द 2 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1, 2 वन द 2, ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, यहां पर बचा 5, ये 5 हम यहां पर लिखेंगे, 2 टू द 4 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2, देखिए 2 टू द 4, तो यहां पर 4 आएगा, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। अब क्योंकि 1 2 से छोटा है तो यहां पर हम डेसिमल लगाएंगे और यहां पर 0 आएगा। अब यहां पर 10 है और 2 5 द 10 होता है, तो यहां पर हम 5 लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 5 द 10, तो यहां पर 10 आएगा और 10 से 10 कट जाएगा। तो जब हमने 25 को 2 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 12.5। अब दूसरा नंबर है 2, तो यहां न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 2 और अपॉन में सम ऑफ रेशोज यानी कि 8 आएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और यहां पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स के 2 और 8 को आपस में सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे। अब देखिए 2 1 द 2, और यहां पर देखिए 2 4 द 8। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स के 100 और 4 को भी आपस में सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 4 से काटेंगे। अब देखिए 4 1 द 4, और यहां पर देखिए 4 2 द 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 2 एंड 0 20, 4 5 द 20। अब यहां पर बचा 25, तो यहां पर आप लिखेंगे 25%। अब यहां पर तीसरा नंबर है 5, तो यहां न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 5, अपॉन में सम ऑफ रेशोज यानी कि 8 आएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और यहां पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि 100 और 8 को आपस में सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 4 से काटेंगे। अब देखिए 4 2 द 8, और यहां पर देखिए 4 2 द 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 2 एंड 0 20, 4 5 द 20।
अब यहां पर न्यूमरेटर में बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 25 और डिनोमिनेटर में है 2, तो जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आपको मिलेगा 125। तो यहां न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 125 अपॉन में ये 2 है तो अपॉन में ये 2 एज इट इज आ जाएगा और उसके साथ ये परसेंटेज का सिंबल आएगा। जब आप 125 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 62.5, तो यहां पर आप लिखेंगे 62.5%। अब हम देखेंगे कि 125 को 2 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 125 और इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 सिक्स 12 होता है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लिखेंगे 6, 2 सिक्स 12, 12 से 12 कट जाएगा, यहां पर ये 5 बचा तो यहां पर 5 आएगा। 2 टू द 4 होता है तो यहां पर हम लिखेंगे 2, 2 टू द 4 तो यहां पर 4 आएगा, 5 में से 4 कटेगा तो 1 बचेगा। अब ये 1 2 से छोटा है तो यहां पर हम डेसिमल लगाएंगे और यहां पर 0 आएगा। 2 5 द 10 होता है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लिखेंगे 5, 2 5 द 10, 10 से 10 कट जाएगा। तो जब हमने 125 को 2 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 62.5। तो जब हमने 1:2:5 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 12.5%, 25% एंड 62.5%। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।